Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching Is to Learn English Spoken Channel, and today you will learn about what's the difference between costly and expensive, insure and ensure. Costly and expensive mehenga hota hai, ensure and insure hota hai kisi ko bharosa dilana. Meaning same hai but alag alag jagah pe use hote hain. To aaj isi ko hum discuss karenge ki inme antar kya hai, kis jagah pe aapko kaun sa inme se word use karna hai, chahe mehenge ki baat ho ya fir bharosa dilane ki baat ho. Studio mein last tak bane rahiyega, aapka ye doubt clear ho jayega, in coming time aap inko confidence ke sath use kar payenge. So without taking more time, I'm going to start shuru karne ke liye ja raha hu. Sabse pehle baat karenge costly. Costly expensive दोनों का मीनिंग महंगा होता है, बट जब आप बात costly की करते हैं तो इसको तब यूज करते हैं जब कोई चीज सिर्फ दिखने में महंगी हो. दिखने में महंगी कैसे, मान लीजिए कोई आपका दोस्त कोई चीज लेके आया, उसने कहा इतने की लेके आया, आपने कहा महंगी है ये तो इतने तक आती. इट मीन्स किसी का भी ओपिनियन, किसी के अकॉर्डिंग, किसी का थॉट जो ये सोचता है कि ये चीज महंगी है, ये इतने में आ सकती थी, वही होता है कोई चीज देखने में महंगी. सो कोई चीज सिर्फ देखने में महंगी हो, आपके अकॉर्डिंग या किसी के अकॉर्डिंग वो कम में आ सकती थी या कम उसकी कीमत हो सकती थी. सो ऐसी चीज के लिए यूज करेंगे कॉस्टली. कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. पहला एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे, इट वॉज टू कॉस्टली टू फिक्स हर कार आफ्टर द एक्सीडेंट सो शी डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार इंस्टेड. उसने क्या किया कि नई कार जो है वो खरीदने का सोचा, क्योंकि अगर उसको रिपेयर करवाने की बात करें वो ज्यादा महंगा पड़ रहा था. ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल की यहाँ पे बात कर सकते हैं. एग्जाम्पल हो सकता है वी यूज लेस कॉस्टली मटेरियल इन आवर प्रोडक्ट. हम अपने प्रोडक्ट में जो है ना लेस कॉस्टली जो मटेरियल होता है वो यूज करते हैं, मीन्स कम कीमत वाला मटेरियल यूज करते हैं. नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इट वुड बी टू कॉस्टली टू रिपेयर द मोबाइल फोन. मतलब नया ले लो, ये मोबाइल फोन रिपेयर करना बहुत कॉस्टली होगा. सो इस तरीके से रहेगा आपका कॉस्टली जब भी आप बात करें महंगा, बट सिर्फ देखने में. और अगर हम दूसरी साइड बात करें एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव भी महंगा होता है, बट एक्सपेंसिव एक्चुअल में ही महंगी चीज के लिए यूज किया जाएगा. इट मीन जो चीज सच में महंगी हो, देखने में नहीं एक्चुअल में महंगी हो, उस चीज के लिए यूज करेंगे हम एक्सपेंसिव. कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल अगर नॉर्मली मैं बोलूं तो आईफोन एक्चुअल में महंगा होता है, उसमें कोई मोल भाव नहीं होता. सो इस तरीके से होता है एक्सपेंसिव. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है, आई फाउंड चंडीगढ़ इज एन एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव. हाँ, ये मैंने भी देखा कि चंडीगढ़ रहने के लिए महंगा प्लेस है. इस तरीके से हो जाएगा, और एक्चुअल में है, सिर्फ देखने में नहीं है. नेक्स्ट की बात कर लेंगे, दिस इज एक्सपेंसिव वाइन माई फ्रेंड. ये जो शराब है ये महंगी है मेरे दोस्त, इस तरीके से. या लास्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, दिस डायमंड रिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव. ऑब्वियसली डायमंड में मोल भाव नहीं होता है, सो ये जो डायमंड रिंग है ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है. ठीक है, तो कॉस्टली जो चीज सिर्फ देखने में महंगी हो, एक्चुअल में नहीं, कम हो सकती है, बट जो एक्चुअल में महंगी हो, एक्सपेंसिव. नेक्स्ट की अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, वो रहेगा यहाँ पे इंश्योर और एनश्योर. इसको इंश्योर ऐसे बोल सकते हैं और इंश्योर एडवांस में ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे एनश्योर और एनश्योर. सो आपने बहुत बार सुना होगा श्योर या फिर श्योर, तो श्योर भी बोला जाता है, श्योर भी बोला जाता है एडवांस में. सो इंश्योर एडवांस, इंश्योर नॉर्मली, एनश्योर नॉर्मली, एनश्योर एडवांस. अब बात कर लेते हैं इंश्योर. इंश्योर का मीनिंग होता है भरोसा दिलाना. हालांकि आपने इंश्योरेंस भी सुना होगा, वो यहीं से निकला है. सो इंश्योर भरोसा दिलाना, किसके साथ, गारंटी के साथ. जब आप गारंटी के साथ किसी को भरोसा दिलाते हैं तब आप यूज करते हैं इंश्योर. कैसे, जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया किसी कार का, किसी भी व्हीकल का, तो वहां क्या होता है गारंटी के साथ ही भरोसा दिया जाता है ना, कि अगर ये हो गया डैमेज हो गया तो ये दे देगी कंपनी, ऐसे करेगी. तो इसलिए इंश्योर. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. पहला एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे, आई इंश्योर दैट यू विल सक्सीड. मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की, आप सक्सीड हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, इस तरीके से रहेगा. नेक्स्ट की बात कर लेंगे, वी इंश्योर अगेंस्ट ऑल डैमेज एक्सीडेंटल और अदरवाइज. मतलब हम इस चीज का भरोसा दिलाते हैं आपको कि कैसे भी डैमेज हो वो, उसका हम क्या करेंगे, आपको कंपनसेट देंगे, मतलब हर्जाना देंगे जो भी नुकसान होगा, इस तरीके से रहेगा. नेक्स्ट की यहाँ पे बात कर लेंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा, नो वन कैन इंश्योर यू फ्रॉम फेलियर. कोई भी आपको आपकी असफलता के लिए गारंटी नहीं दिला सकता, इस तरीके. सो इंश्योर गारंटी जब आप दिलाते हैं किसी चीज की तब यूज करेंगे इंश्योर. अब बात करेंगे एनश्योर.
एंश्योर क्या होता है, भरोसा दिलाना होता है, बस वैसे ही, कोई गारंटी नहीं होती है, वैसे ही भरोसा दिलाना होता है एंश्योर। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, आई फिटेड अ न्यू लॉक टू एंश्योर दैट द बाइसिकल वुड नॉट बी स्टॉलन। एंश्योर मीन्स क्या है कि किसी ने नया ताला लगा और बताया कि अब जो साइकिल है वो चोरी नहीं होगी। बट ये तो कोई जरूरी नहीं ना, हो सकता कोई ले भी जाए, तो यहां क्या है, गारंटी नहीं है उस चीज की। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, वी मस्ट एंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्यूल सप्लाईज। हमने कहा कि फ्यूल सप्लाई की जो है ना वो उसका भरोसा दिलाना चाहिए, बट ये श्योर नहीं है ना, इस तरीके से। और अगर हम लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हो सकता है आई विल एंश्योर दैट द कार अराइव बाय 6 o'clock। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कार 6 बजे आ जाएगी, बट ये भरोसा गारंटी वाला नहीं है, हो सकता है 5 या 10 मिनट लेट हो जाए या फिर पहले भी आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉस्टली हम तब यूज करते हैं महंगे के लिए जब हमें किसी चीज को सिर्फ देखने में महंगा महसूस हो, एक्चुअल में इसको कम करवाया जा सकता था। बट एक्सपेंसिव हम तब यूज करेंगे महंगे के लिए जब जेन्युइनली वो चीज महंगी होती है, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती, कम नहीं होती है। उसी तरफ हमने बात किया वहां पे इंश्योर, इंश्योर जो होता है भरोसा दिलाना होता बट गारंटी के साथ, और एंश्योर भरोसा दिलाना होता बट वैसे ही। सो आई होप समझ में आया होगा, इनकमिंग टाइम कॉन्फिडेंस के साथ इनको यूज कर पाएंगे। सो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो कीप डूइंग प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।